ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे अ भोलेनाथ रे। चलिए बच्चों, तो आज हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। फैक्टर है, फैक्टर गुणनखंड कैसे निकालते हैं फैक्टर। तो आप जनरली मैथमेटिक्स में भी जनरली जो देखते हैं आप, जैसे मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, तो 6 का फैक्टर क्या होता है? तो मल्टीपल में 2 × 3 आपने लिख दिया, तो इसका क्या हो गया? फैक्टर। तो फैक्टर जनरली क्या होता है? जो मल्टीपल से जुड़ा हो, साइन क्या हो बीच में? मल्टीपल से, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए 12 के, तो 12 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं? 4 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये किससे जुड़ा हुआ है? मल्टीपल से। तो अगर वैल्यू मल्टीपल से जुड़ा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर। तो इसमें हमको क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। केवल डिफरेंस क्या है इसमें? अलजबरिक है, ठीक है, तो अलजबरिक रिलेटेड है। तो चलिए, पहले तो ये थोड़ा फार्मूले पर हम ध्यान देंगे। मान लीजिए इस टाइप से लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं जिसमें अलजबरिक आइडेंटिटी हमने दिया हुआ है इस वीडियो में, तो वहां से भी आप ये वैल्यू देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है? तो एक ब्रैकेट में प्लस कर देंगे, एक में माइनस। अनदर है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा? तो एक्स माइनस वाई ब्रैकेट के बाहर हो गया, और अनदर जो ब्रैकेट बनाएंगे उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिखेंगे। केवल एक्स माइनस वाई यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई। ऐसे ही एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होगा? तो एक्स प्लस वाई अनदर ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई के। और ये आपका है, इसका भी कभी कभी यूज होता है, इसको अच्छे से देख लीजिए क्या है ये फार्मूला है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अनदर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसमें कंडीशन क्या है? इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, मान लीजिए क्या हो जाए? ये 0 के बराबर हो जाए, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो इक्वल टू के बाद पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू पूरा 0 हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz के ये इक्वल हो जाएगा। तो ये जनरली फार्मूले हैं, इसका यूज इसमें आएगा। अब इसकी हेल्प से हम ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका हम फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये क्लीन कर देते हैं, आप बैक करके इसका इमेज ले सकते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, 3a² b - c किसके इक्वल? 9ab - c का स्क्वायर। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है? इसका फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले फैक्टर बता दिया आपको, मल्टीपल से जुड़े हो, तो इसमें से देखेंगे पहले क्या कॉमन है, ठीक है, इसमें से क्या कॉमन है। तो कॉमन इसमें से क्या है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो पहले क्या कॉमन है बच्चों? 3 कॉमन हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो क्या कॉमन हो गया? ए। हाँ जी, तो अभी ये 3a निकल गया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ए, और यहाँ पे b - c, ठीक है ना। अब 3a यहाँ से जब कॉमन करेंगे तो किसके बराबर होगा? 3 3 3 9 है, तो 3 ही बचेगा, रिमेनिंग वैल्यू b - c² ऐसे ही रहेगा। हाँ जी, अभी यहाँ पे देखिए 3a हो गया, अब यहाँ पे b - c यहाँ पे भी है और b - c यहाँ पे भी है, तो दोनों में से क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया? इसको बाहर खींच लिया b - c, ठीक है, दोनों में है तो बाहर लिख लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा? b - c आ गया, तो रिमेनिंग यही है। यहाँ पे b - c आपने बाहर कर लिया, कितने टाइम? एक ही टाइम, तो यहाँ पे 3 तो रहेगा ही रहेगा, और b - c हो गया, समझ रहे ना। b - c हमने यहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ पे ये बचा, और b - c यहाँ से 1 टाइम गया, तो 1 टाइम तो बचेगा ना। अब देखिए क्या है, तो 3a b - c, इसको जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस 3b - 3c, ठीक है, a प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3b - 3c,
तो ये हमारा देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये सब के सब वैल्यू किस में जुड़े हुए हैं, मल्टीप्लाई से। तो इसके क्या हो गए फैक्टर, यहाँ पे देख रहे हैं प्लस था, तो ये इसके फैक्टर क्या हो गए, ये हो गए हमारा, ठीक है, देख रहे हैं क्रीज वैल्यूज का क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ये हमारा फैक्टर निकालने का एक तरीका है, किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अभी एनादर क्वेश्चन लेते हैं, एनादर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड वाला हमारा क्या है, 4x² - y² अब इसमें हेल्प किसका करने का है, तो देख रहे हैं यहाँ पे a² - b² के फार्म में है, तो इसको लिख सकते हैं आप 2x² - y² अब 2x² मीन्स एक में देख रहे हैं 2x² है, ये y² a² - b² तो एक में क्या करना है आपको, एडिशन कर देना है, और एक में क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, यही है ना फार्मूला, a² - b² = a + b, a - b के बराबर होता है, तो 2x + y और एक में माइनस कर दिया, ठीक है। अभी सेकेंड हो गया, सेकेंड के बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, काफ़ी इजी है, आप भी इसको पेन कापी ले लीजिए और सॉल्व करना चालू कर दीजिए। थर्ड में दिया हुआ है x + y³ - x - y, ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो x + y³ - x - y, इसका क्या निकालना है हमको, फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए अच्छे से, पहले आप भी एक बार ट्राई करके देखिए हो पाता है कि नहीं हो पाता है। चलिए अब इसमें से क्या है, यहाँ से देख रहे हैं x + y है, यहाँ पे भी x + y बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे x + y³ ऐसे रहने दीजिए, यहाँ से क्या कर लेते हैं -1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है आपको, लिखा भी नहीं जाता है, x + y लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है ना जी। अभी यहाँ से देख रहे हैं x + y³, यहाँ पे भी x + y है, तो x + y बाहर कर लिया, रिमेनिंग वहीं छोड़ दिया, x + y कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचेगा यहाँ पे, x + y² तो बचेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, -1 बचेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे -1 हो गया, अब देखिए यहाँ पे x + y हो गया, यहाँ पे a² - b² नहीं दिख रहा है क्या, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a² - b² तो इसको एक बार प्लस करके लिखना है, एक बार माइनस, तो एक बार हमने प्लस कर दिया x + y, ठीक है, a + b, यहाँ पे a - b, a किसके बराबर है, x + y के, और -b, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर हो गया x + y³ - x - y, इसका फैक्टर क्या हुआ, x + y, x + y+1, x + y - 1, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एनादर क्वेश्चन थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हमारा 8 - 6x - x², इससे तो आप परिचित है काफी दिनों से हैं, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली कर सकते हैं जनरली। इसमें क्या होता है, ये और ये वैल्यू का क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पे 8 होना चाहिए, यहाँ पे 1 रहता है, ठीक है ना, तो ये कोफिशियंट का मल्टीप्लाई 8, कोफिशियंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 है, 8 × 1 = 8, मल्टीप्लाई करने पे 8 के बराबर आना चाहिए, हाँ जी ये रूल है ना, मल्टीप्लाई करने पे 8 × 1 = 8, और ऐड करने पे किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, 6 के, ये रूल है क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो क्या लिखा है, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको हमने क्या कर दिया, 8 लिख दिया, और ये जो हमारा वैल्यू है, ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और ऐड करने पे 6 आना चाहिए, तो 4 × 2 = 8, मल्टीप्लाई करने पे 8 हो गया, और 4 + 2 = 6, समझ में आ गई बात, तो यहाँ पे 4 + 2 कर देंगे, तो -6 है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस लिखना पड़ेगा, हमने कुछ चेंजेज किया क्या, नहीं किया, 8 है वैसे ही है, 6x है तो ये 6x है, और +x² है, ठीक है। अब बेनिफिट क्या मिलता है ये करने के बाद आपको, तो यहाँ से देख रहे हैं 4 कॉमन है, तो हमने 4 कॉमन कर लिया, अब यहाँ पे 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे 2 बचेगा, देख लीजिए 4 × 2 = 8, तो 8 ही है ना जी,
अब यहाँ पे 4 हमने कॉमन ले लिया तो माइनस 4 तो गया यहाँ पे, तो बचा x। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 प्लस में लाना है, तो यहाँ से अगर आप x कॉमन लेंगे तो ये माइनस में आ जा रहा है, इसके लिए माइनस x लीजिए। ठीक है, माइनस x लेंगे तो ये माइनस x आ गया यहाँ पे, तो बचेगा क्या है 2, चेक कर लीजिए सही है क्या, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या रहा है माइनस 2x, तो माइनस 2x है। अब यहाँ पे जब माइनस x आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, माइनस x, चेक कर लीजिए माइनस इंटू माइनस प्लस और x स्क्वायर सही है। अब क्या होगा, दोनों में 2 माइनस x कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचा, ये मैंने बाहर ले लिया तो रिमेनिंग बचा 4 माइनस x के, तो ये हमारा क्या हो गया फैक्टर, इजी है ना, बहुत इजी है, आप भी कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, अब फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ क्या है हमारा, x क्यूब माइनस x माइनस 1 का होल क्यूब। अच्छे से देखिएगा थोड़ा फार्मूला, अगर आपको याद आ जाए तो ठीक है, नहीं याद है तो बैक करके देख कर लीजिए x क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फिफ्थ नंबर, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन का होल क्यूब। तो इसके लिए फार्मूला कौन सा है, आप पीछे बैक करके भी फार्मूला देख सकते हैं। तो फार्मूले में हमने लिखाया होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर होता है, तो एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही यूज करना है। तो यहाँ पर यूज कैसे करेंगे, एक्स माइनस वाई पहले लिख देते हैं, ठीक है, तो x माइनस वाई, तो x माइनस एक्स प्लस वन, समझ रहे हैं, x माइनस वाई मीन्स x की जगह पे x है और माइनस y की जगह पे ये, अभी ये माइनस इसको क्या बना देगा, x माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया x माइनस एक्स प्लस वन। अब आगे देखिए क्या है, आगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है, x ही है, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस एक्स इंटू वाई की जगह पे एक्स माइनस वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स माइनस एक्स प्लस वन, तो एक्स टू द पावर 4 कॉमन है इसमें दोनों में, तो हमने लिख लिया एक्स टू द पावर 4, रिमेनिंग क्या बचा एक्स, और यहाँ पे क्या बचा वाई, यहाँ पे क्या कॉमन है बच्चों, तो y टू द पावर 4, y टू द पावर 4 निकल गया यहाँ से, क्या बचा x प्लस वाई। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हमने यहाँ पे लिख दिया, रिमेनिंग क्या बचा x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस वाई हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्म में चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 2 2 जा 4 माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है, अभी एक्स प्लस वाई हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्म में है तो इसको आप एक बार ऐड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक बार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये इसका फार्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फैक्टर निकाल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।